तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे द ऋषभ रिव्यू चैनल में स्वागत है। तो गुरु, बहुत टाइम से वेट करने के बाद कार्तिक आर्यन स्टार्टर चंदू चैंपियन का भी ट्रेलर आ गया है, पर भाई जितनी उम्मीद थी उससे कई ज्यादा ट्रेलर में कमियां दिखाई दे गई। जो कहानी हमें पहले से ही पता है वही कहानी पर फिल्म बनाना थोड़ा सा रिस्क वाला मैटर हो जाता है। अब कबीर खान ने फिल्म बनाई पर ट्रेलर में कुछ छूटा छूटा सा नजर आ रहा है। बाकी कई लोगों का कहना है कि कबीर खान एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म दी है, पर भाई लोग यह भी तो कुछ बोल रहे हो कि इनकी कुछ लास्ट मूवी जैसे 83 और ट्यूबलाइट बहुत ही ज्यादा डिजास्टर साबित हुई और ट्यूबलाइट के बाद अब तक सलमान भाई का कमबैक नहीं हो पाया। पर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग पर शक भी नहीं कर सकते और हमें यह भी पता है कि फिल्म सिर्फ अच्छी एक्टिंग से नहीं चलती, एक अच्छी स्टोरी टेलर को एक अच्छा डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि कबीर खान ने जो ब्लॉकबस्टर हिट बजरंगी भाईजान फिल्म दी थी उसकी स्टोरी से लेकर उसका स्क्रीन प्ले हमारे बाहुबली के राइटर एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रताप जी ने लिखा था। अब जब इतना अच्छा राइटर तुम्हारी स्क्रीन प्ले भी लिख रहा है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचाएगी। पर हमें यह भी पता है कि ट्यूबलाइट की 83 का स्क्रीन प्ले इन्होंने नहीं लिखा, इसलिए फिल्म डिजास्टर साबित हुई। पर यहाँ थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है क्योंकि चंदू चैंपियन का स्क्रीन प्ले कबीर खान के साथ सुमित अरोड़ा ने भी लिखा है। अब यहाँ मामला थोड़ा सा 50-50 हो जाता है, बस देखना यह है कि फिल्म कैसी निकलती है। क्या पता इस बार कबीर खान का लव चल जाए और इस बार बॉक्स ऑफिस वापस से रिपीट हो जाए। और एक आखिरी अंदर की बात अगर आप लोगों को बताओ तो बजरंगी भाईजान का सिक्वल पवन पुत्र भाईजान के नाम से बन रहा है और इसकी स्क्रिप्ट विजेंद्र जी ने बिल्कुल तैयार कर ली है और इसको डायरेक्ट कबीर खान ही कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें यह जानकारी पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।